लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद शाहरुख खान दो और फिल्में जवान और डंकी रिलीज करने के लिए तैयार है। इस तथ्य के बावजूद कि अब दोनों ही शूटिंग प्रोसेस पर है, स्वाभाविक रूप से दोनों फिल्में अपने अंतिम शेड्यूल में हैं। जवान की शूटिंग के लिए करीब 20 से 30 दिन बाकी है। जवान की शूटिंग के अब तक कुल 130 दिन हो चुके हैं। मुंबई में बची हुई शूटिंग अब अंततः पूरी हो जाएगी। ये एक चेस सीक्वेंस था। फिल्म में शाहरुख खान ने दो किरदार निभाए हैं। ये पीछा करने वाला सीन विशेष रूप से उनके दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ दिखाएगा। जी हाँ, इस सीक्वेंस में बेटा अपने पिता का पीछा करता हुआ नजर आएगा। साथ ही हाल ही में जवान फिल्म से एक वीडियो सामने आई है जिसमें SRK अंधेरे में अपने चेहरे पर पट्टियां बांध रहे हैं और फिर रोशनी की तरफ आते हुए टेबल पर पड़े काले कपड़े को उठाते हैं तो उसके नीचे मशीन गन्स होती है, जिसे देखकर SRK जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर उस मशीन गन को लेकर बैठ जाते हैं। जवान में एक्ट्रेस प्रियामनी और सान्या मल्होत्रा के भी कुछ एक्शन सीन्स हैं। पठान में दीपिका पादुकोण की तुलना में जवान में अभिनेत्रियों के अधिक एक्शन सीन्स हैं। जी हाँ, शाहरुख खान के युवा वर्जन को फिल्म में 6 अलग अलग रूपों में दिखाया जाएगा और दीपिका पादुकोण भी एक कैमियो भूमिका में दिखाई देंगी। एक्ट्रेस नयनतारा सान्या और दीपिका बेस्ट फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगी। पठान में शाहरुख को मस्कुलर बॉडी में दिखाया गया था, लेकिन जवान में किंग खान कॉस्ट्यूम में एक्शन करते हुए नजर आएंगे। इस बीच शाहरुख खान और निर्देशक एटली को हाल ही में करीना हवाई अड्डे पर फिल्म की शूटिंग के लिए जाते हुए देखा गया। तो आप जवान और आने वाली फिल्मों के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।